आओ पढ़ें पाठ 13 नचिकेता। पाठ उद्देश्य न्यायप्रियता, दृढ़ निश्चय, पितृभक्ति, ज्ञान के प्रति गहरा रुझान, जिज्ञासा, विनम्रता, बड़ों का सम्मान, अध्यात्म में आस्था। पाठ प्रवेश। कठोपनिषद से ली गई इस कथा में बालक नचिकेता के चारित्रिक गुणों पर प्रकाश डाला गया है। सत्यनिष्ठा, दृढ़ विश्वास, साहस एवं लगन से यमराज का हृदय भी जीता जा सकता है। बालक नचिकेता की जीवन यात्रा इसका सशक्त प्रमाण है। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित थी, वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ घी और सामग्री की आहुतियां उसमें पड़ रही थी। सारे वातावरण में सुगंध व्याप्त थी और वाजश्रवा के चेहरे पर विशेष प्रसन्नता झलक रही थी। उसके द्वारा आयोजित यज्ञ की आज पूर्णाहुति जो थी, देश भर के बड़े बड़े विद्वान और ऋषि मुनि पधारे थे। यज्ञ के उपरांत ब्राह्मणों को प्रभु दक्षिणा देगा, ऐसा सभी सोच रहे थे। यज्ञ समाप्त हुआ, ब्राह्मणों ने वाजश्रवा को आशीर्वाद दिया और वाजश्रवा ने उन्हें दक्षिणा देना प्रारंभ किया। किंतु यह क्या, यज्ञ की इस अंतिम घड़ी में वाजश्रवा को किस मोह ने घेर लिया? कहां तो उसने निश्चय किया था कि यज्ञ की समाप्ति पर वह अपनी सारी संपत्ति दान कर देगा, और कहां दक्षिणा में देने लगा। ऐसी निर्बल और बूढ़ी गाय जिन्होंने दूध देना भी बंद कर दिया था। लोग दबी जबान में वाजश्रवा की आलोचना कर रहे हैं, किंतु सबसे अधिक दुखी है कोने में बैठा वह किशोर बालक। कौन है वह? वह है वाजश्रवा का पुत्र नचिकेता। बातचीत। वाजश्रवा का बदला हुआ व्यवहार देखकर आपको कैसा लगा, चर्चा करें। अपने पिता की इस कृपणता को देखकर नचिकेता से न रहा गया, खिन मन से वह उनके पास गया और बोला, पिताजी, दक्षिणा में तो यजमान अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु देते हैं, आपने तो ऐसी गायें दी हैं जिनका आपके लिए कोई उपयोग ही नहीं रह गया है, इससे आपको पुण्य नहीं मिलेगा। फिर कुछ रुक कर बोला, पिताजी, आपको सबसे प्रिय तो मैं हूँ, आप मुझे ही किसी को दक्षिणा में क्यों नहीं दे देते। वाजश्रवा ने नचिकेता की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, पर नचिकेता अपना प्रश्न दोहराता रहा। वह बार बार पूछता, आप मुझे किसको दान में दे रहे हैं? वाजश्रवा झुंझला उठे। बच्चे के हट से क्रुद्ध होकर वे बोले, जा, मैंने तुझे मृत्यु को दिया। नचिकेता विनम्र भाव से बोला, पिताजी, आप क्रुद्ध ना हो, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, मुझे मृत्यु के देवता यमराज के पास जाने की अनुमति दीजिए। बातचीत। नचिकेता का दृढ़ निश्चय और साहस भरा कदम आपको क्या सीख देता है? वाजश्रवा को अब अनुभव हुआ कि क्रोध के कारण उनके मुंह से बहुत ही अनुचित बात निकल गई है, किंतु अब उपाय ही क्या था। जिस तरह धनुष से छूटा हुआ बाण वापस नहीं आ सकता, उसी तरह मुंह से निकली हुई बात भी लौटाई नहीं जा सकती थी। नचिकेता अपने पिता और अन्य सभी संबंधियों से विदा लेकर चल दिया यमराज के घर। यमराज उस समय यमपुरी में नहीं थे। 3 दिन तक वह बालक भूखा प्यासा उनके दरवाजे पर पड़ा रहा। यमराज लौटे तो एक ब्राह्मण कुमार को अपने घर इस दशा में देखकर बहुत दुखी हुए। साथ ही उनका ध्यान इस बात पर गए बिना नहीं रहा कि वह बालक अन्य बालकों से बहुत भिन्न था। उसके मुख पर तेज था और चेहरे पर प्रसन्नता झलक रही थी। जिस यमराज के नाम से भी मनुष्य थरथर कांप उठते थे, उनके सम्मुख बालक नचिकेता बिना किसी भय के स्वाभिमान के साथ खड़ा था। यमराज ने नचिकेता का यथोचित सत्कार किया और फिर उसके आने का प्रयोजन पूछा। नचिकेता ने अपने पिता के यज्ञ की सारी कथा सुनाकर अपने आने का कारण बताया। यमराज बोले, नचिकेता, तुम्हारी पितृभक्ति और दृढ़ निश्चय से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। साथ ही मुझे इस बात का बहुत दुख है, तुम्हें 3 दिन मेरे दरवाजे पर भूखा प्यासा रहना पड़ा। इसका प्रायश्चित करने के लिए मैं तुम्हें 3 वर देना चाहता हूँ। बोलो। नचिकेता बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, धर्मराज, मुझे पहला वर तो यह दीजिए कि मेरे पिताजी का मुझ पर क्रोध शांत हो जाए और जब मैं आपके पास से वापस जाऊं तो वे मुझे पहचान ले और प्यार से बोले। ऐसा ही होगा, यमराज ने कहा। तुम्हारे लौटने पर तुम्हारे पिता तुमसे उसी तरह प्यार से बोलेंगे जैसे पहले बोलते थे, वे अपना सारा क्रोध भूल जाएंगे। अब दूसरा वर मांगो, यमराज बोले। वर मांगने से पहले नचिकेता ने काफी विचार किया। क्या मांगे वह, इस संसार में तो किसी चीज की इच्छा थी नहीं उसे। फिर उसे ध्यान आया कि बहुत से मनुष्य इस संसार से परे स्वर्ग की इच्छा करते हैं।
उसके पिता ने भी तो स्वर्ग की अभिलाषा से यज्ञ किया था। वह यमराज से बोला, लोग कहते हैं कि स्वर्ग लोक में बहुत सुख मिलता है, ना वहाँ भूख प्यास की चिंता है, ना बुढ़ापा है, ना कोई रोग। वहाँ के निवासी हर समय अलौकिक सुख का ही उपभोग करते रहते हैं। वहाँ आपका पास भी नहीं पहुँचता और न लोगों को किसी अन्य प्रकार का भय ही लगता है। उस आनंदपूर्ण स्वर्ग को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, मुझे इसका उपदेश दीजिए। स्वर्ग के बारे में नचिकेता की जिज्ञासा जानकर यमराज को कुछ आश्चर्य हुआ। इतना छोटा सा बालक इस लोक में सुख देने वाली वस्तुएं न मांगकर अदृश्य स्वर्ग के बारे में प्रश्न कर रहा है। वचनबद्ध यमराज ने नचिकेता को वे सब विद्याएं समझाएं जिनसे मनुष्य स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। नचिकेता ने जो कुछ सीखा उसे जैसे का तैसा यमराज को सुना दिया। उसकी तीव्र बुद्धि और स्मरण शक्ति से यमराज बहुत प्रसन्न हुए। वत्स, अब तीसरा वर मांगो, यमराज ने कहा। नचिकेता ने फिर विचार किया। इस पृथ्वी की किसी वस्तु की अभिलाषा उसे थी नहीं, स्वर्ग का रहस्य यमराज ने उसे बता ही दिया था, फिर वह क्या मांगे। पर संसार में एक वस्तु है जो कि पृथ्वी और स्वर्ग के सुख से भी बढ़कर है, और वह है हमारी अपनी आत्मा। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा, मेरी आत्मा का सच्चा स्वरूप क्या है, इस तरह के अनेक प्रश्न प्रायः नचिकेता के मन में उठते रहते थे। वह यमराज से बोला, भगवान, कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा रहती है, कुछ कहते हैं कि नहीं रहती, इस विषय में मेरा अज्ञान अब तक दूर नहीं हुआ है। तीसरे वर के रूप में कृपा कर मुझे आत्मा का रहस्य समझाइए। यमराज को उस अल्प व्यसक बालक से ऐसे गंभीर प्रश्न की आशा नहीं थी। वे बोले, वत्स, ये तुमने कैसा वर मांगा, तुम अभी छोटी अवस्था के बालक हो, आत्मा का रहस्य तो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जान सके हैं, यहाँ तक कि देवताओं को भी इसके विषय में संदेह रहता है। तब तो मैं आत्मा का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहूंगा। इस ज्ञान को देने वाला भी तो आपसे बढ़कर और कोई नहीं मिलेगा, आप मुझे कृपा करके आत्मा के बारे में समझाइए। तब यमराज ने नचिकेता को अनेक प्रलोभन दिए। बोले, नचिकेता, तुम इस प्रश्न का उत्तर जानने के बजाय कुछ और क्यों नहीं मांग लेते। तुम यथेच भूमि, नौकर चाकर, सोना चांदी और अन्य प्रकार की धन संपत्ति ले लो। तुम जब तक जीना चाहो तब तक जियो। तुम्हारी अन्य जो भी इच्छा हो मैं उसे पूरी करने को तैयार हूँ, किंतु आत्मा और मृत्यु के रहस्य के बारे में मत पूछो। शांत और गंभीर भाव से नचिकेता बोला, आपने जो इतनी चीजों का वरदान मुझे देने के लिए कहा है, क्या इनमें से किसी से भी मनुष्य को सच्चा सुख मिल सकता है? संसार के सुख शरीर और इंद्रियों को क्षीण ही तो करते हैं, धन से मनुष्य की तृप्ति नहीं हो सकती। मैं तो जन्म और मृत्यु के पीछे छिपे हुए रहस्य को ही जानना चाहता हूँ, इसके अतिरिक्त और कोई वर मुझे नहीं चाहिए। यमराज की परीक्षा में नचिकेता खरा उतरा। संसार का कोई भी प्रलोभन उसे अपने निश्चय से डिगा नहीं सका। प्रसन्न होकर यमराज ने उसे उपदेश देना आरंभ किया। आत्मा न तो कभी पैदा होती है न मरती है, वह अजर अमर है और शरीर के नष्ट हो जाने पर भी विद्यमान रहती है। आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। ज्ञानी मनुष्य जब प्राणियों को अपने अंदर और अपने आप को सब प्राणियों के अंदर देखता है। अपने शरीर को यदि तुम एक रथ मानो तो इंद्रियां उसके घोड़े हैं, अन उन घोड़ों की लगाम है और बुद्धि सारथी के स्थान पर है। इस रथ पर बैठकर यात्रा करने वाला यात्री आत्मा है, उसी के लिए यह सारा खेल रचा गया है। जिस प्रकार दुष्ट घोड़े रथ में सवार व्यक्ति को संकट में डाल देते हैं, उसी प्रकार अनियंत्रित इंद्रियां मनुष्य को दुर्दशा की ओर ले जाती हैं। तो पुत्र, उठो, जागो और श्रेष्ठ व्यक्तियों के पास जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो। बालक नचिकेता ने यम के उपदेश पर आचरण किया, वह बड़ा होकर विद्वान और धर्मात्मा ऋषि बना। कठोपनिषद से शब्दार्थ, प्रज्वलित, जली हुई, उपरांत, पश्चात, निर्बल, कमजोर, क्रुद्ध, नाराज, प्रयोजन, कारण, अलौकिक, इस लोक से परे, वत्स, पुत्र, दुर्दशा, बुरी दशा, व्याप्त, फैली, प्रभूत, प्रचुर, बहुत अधिक मात्रा में, आलोचना, बुराई, अनुमति, आज्ञा, प्रायश्चित, पश्चाताप,
पाश, रस्सी, अल्पवयस्क, छोटी उम्र का किशोर, पूर्णाहुति, यज्ञ की अंतिम आहुति, कृपणता, कंजूसी, अनुचित, गलत, अभिलाषा, इच्छा, अदृश्य, जो दिखाई न दे, यथेच, इच्छा के अनुकूल। खास शब्द, आहुतियाँ, यज्ञ में अग्नि को समर्पित की जाने वाली सामग्री।